हाँ जी, तो फिर दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि बहुत जल्द हम अरब सागर के बीचों बीच शहर की गर्मी और शोरगुल से दूर खुली हवा में हिचकोले खाती यॉट में इंडियन चाइनीज का लुत्फ उठा रहे होंगे और अपने बिजी शहर को देख के ना ऐसे जीप चढ़ा रहे। ओके, रेडी? मंकी, माना कि बीच समुद्र में कोई पेड़ नहीं होगा जिसपे आप लटक सकते हो, लेकिन मजा तो बहुत आएगा ना। मंकी, तबीयत तो ठीक है? देखो, अगर नहीं जाने का मन है तो बोल दो, मैं अभी भी मना कर दूंगी। नो मम्मा, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। चलो जल्दी चलना है। चले दीजिए आंटी, थोड़ा इसे किना। तू जैसलमेर में एक पैलेस का प्रोजेक्ट करने वाला है ना? जी। देन गेस व्हाट, मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है जो उसी रॉयल फैमिली का हिस्सा है। ओह वाओ, दैट्स कूल आंटी। हां, वियान ने जब तेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मैंने फटाक से उसे डिनर पे इनवाइट कर लिया। तू जल्दी से आ जा, तेरा प्रोजेक्ट 100% कंफर्म हो जाएगा। जी आंटी, आ रहा। तो जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। हाँ यार, कथा, I'm really sorry. लेकिन आप अपनी पीली भैंस को ना बांध के रखिएगा, कहीं ऐसा ना वो नाराज होके अकेले ही निकल पड़े अरब सागर में। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने महीनों से इस रॉयल फैमिली से मिलने की वेट कर रहा था, अब एकदम से सडनली। बट डोंट वरी, प्लान पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। और बच्चों जी, तुम लोगों का प्रोजेक्ट ओके करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन बदले में मेरी दोस्त को जैसलमेर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों की। डी। मुझे तो लग ही रहा था कि एसन की वजह से आप बहुत लेट ना हो जाए, लेकिन व्यान वो तो मान ही नहीं रहा था। ऐसे व्यान की ये फिलॉसफी मुझे बहुत पसंद है कि पार्टनर के बिना बिजनेस नहीं और दोस्त के बिना कोई फैमिली गैदरिंग नहीं। एंड यू नो एसन, व्यान ने कितना फोर्स किया तेजी को कि प्लीज एसन को जल्दी बुला लो। वाओ, दोस्ती हो तो ऐसी। सो आंटी, हाउ इज इट? एक्सक्यूज मी लेडीज, आई जस्ट नीड 2 मिनट्स। व्यान, तुम्हें लगा कुछ बात करनी थी भाई? यस श्योर। आंटी प्लीज एक्सक्यूज मी। दीज बॉयज आर ऑलवेज बिजी। नाउ आई विल टेल यू समथिंग फनी। श्योर। पता है भाई, मैंने ना कल नई यॉट ली। व्हाट? तूने मुझे बताया भी नहीं। मैन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। और आज मैं उससे पहली बार समंदर में लेके जा रहा था। एंड गेस मेरे साथ कौन था? कथा। रियली? रियली? और आज ही सडनली मेरे भाई को मेरी इतनी जोर से याद आई ना। वाओ, पता नहीं यार क्यों, लेकिन थोड़ा कोइंसिडेंस जैसा नहीं लग रहा है। क्या मतलब है तेरा ऐसे? मतलब ये है कि तुझे पता था ना मैं कथा के साथ यॉट पे जा रहा हूं, तो तुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आउट ऑफ नोवेयर आपने महारानी साहिबा को बुला लिया। मुझे नहीं पता था तू किसके साथ था या कहां है, और तू ही कहता रहता है सोशलाइज कर क्लाइंट्स के साथ, तो मुझे लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दैट्स इट। अपॉर्चुनिटी? या क्या कर रहा है भाई, और क्यों कर रहा है? व्हाट? व्हाट व्हाट मत कर तेजी। आंटी कसम खाकर बोल कि तुझे नहीं पता था कि मैं कहां पर हूं। व्हाट? खाना कसम। माय गॉड। हां आंटी कसम कि तूने जानबूझकर अपने दुबई ट्रिप प्लान किया जब मैं कथा को लेकर राजस्थान जा रहा था। ब्रो, तू ओवरथिंक कर रहा है, और तू कथा की वजह से हमारी दोस्ती को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ओवरथिंक। यस यू आर। हाँ, खुश? फिर तो बोल देना साफ साफ। क्या? कि तेरे मन में कथा के लिए कुछ नहीं है। बोल, क्या हुआ, बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ, है ना मन में डाउट?
है ना व्यान सर, है ना आपके मन में डाउट? भाई मैंने तुझे पहले भी बोला था कि कथा को लेके मैं सीरियस हूं, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मेरे और कथा के बीच में आना छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा ना हमारे बिजनेस के लिए ना हमारी दोस्ती के लिए। Ready, Neil? Okay then, 3, 2, 1. Earthcon. आज इस कंपनी को 50 साल हो गए हैं, लेकिन it has never felt younger. Our two old men, मेरे फादर मिस्टर सलीम कॉन्ट्रैक्टर और वियान के फादर मिस्टर विराज रघुवंशी ने मिलके एक बहुत कूल आर्किटेक्चरल फर्म खोला था और आज उनके दो बेटे उसे मिलके चला रहे हैं। Of course, with the help of some very cool, talented architects. तो आज इस कंपनी की 50th एनिवर्सरी पे मैं उन दो दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस कंपनी को शुरू करने के लिए और अपने उन दोस्तों को भी जो मेरे और वियान की मदद कर रहे हैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। थैंक यू गाइस। ऑल राइट कट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। दैट वाज नाइस। सो लेट मी चेक कौन बचा है। या आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज डन। दिस वन आपका हो गया। शिखा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बचे। आई गेस बस वियान ही बचा है ना। कथा लिस्ट को कंप्लीट ही समझो। आई डाउट वो कोई बाइट वाइट देगा यार। मतलब रियान ना अंकल के बारे में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं बोलेगा। सो मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। चले कम नील। Do you have some time? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे एवी के लिए आपकी बाइट चाहिए। Sure, right. मिस्टर विराज रघुवंशी और मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। एक्चुअली आपकी माँ ने इंसिस्ट किया, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आई अंडरस्टैंड। नहीं, करते हैं। माँ ने कहा है तो लेट्स गेट इट डन। प्लीज गेट योर टीम रेडी। ओके, रेडी, लेट्स रोल। 50 साल पहले दो कॉलेज ग्रेजुएट्स ने एक बहुत बड़ा सपना देखा और आज वो बड़ा सपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। और पता नहीं वो लकी थे या हम कि उन दोनों दोस्तों के बेटे भी दोस्त बने और आर्किटेक्ट्स भी। तहसन अपने डैड की तरह एक स्मार्ट बिजनेसमैन बना है और सॉरी जस्ट वन सेकेंड। और मैं अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। एक बात कॉमन है, दैट इज द लव फॉर आर्किटेक्चर। और मैं ये लेगेसी रिस्पॉन्सिबली आगे लेके जाना चाहता हूं। मिस्टर विराज रघुवंशी, मेरे डैड का एक विजन था एक फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर फर्म बनाना और अर्थकॉन। और अर्थकॉन एक फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर फर्म है क्योंकि हम इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन होने के लिए मिस्टर विराज रघुवंशी को हमेशा याद रखा जाएगा। I think we have enough.
थैंक यू नील. लेट्स रैप अप. दादू पता है मम्मा ने ना मेरी कराटे क्लास के सारे बुलीज को मेरा दोस्त बना दिया अपनी वाली ट्रिक से. और उनका ना वो हृदय परिवर्तन कर दिया. हाँ वही वही वही. ये खूबी तो है तुम्हारी मम्मा में, लोगों को बदलने की ताकत है उसमें. इस कथा का मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. या तो वो मेरी जिंदगी से निकल जाए, और अगर रहना ही है तो औकात में रहे. ये पापा जी और मम्मी जी के सामने नॉट सो आदर्श बहू, ये तो मैं साबित करके रहूंगी. हाँ. हे, कीप दिस साइड. ओ हाय कथा. प्लेजर मीटिंग यू. वेरी कूल स्टूडियो. वेल, थैंक यू सो मच. So Keith, basically हमारे ऑफिस की 50th एनिवर्सरी पार्टी है. All right. So we want somebody जो पार्टी में लाइव म्यूजिक प्ले कर सके और हमारी सक्सेस एवी में म्यूजिक कंपोज कर सके बैकग्राउंड स्कोर. Well, लाइव म्यूजिक तो हम फोड़ते हैं, बट बैकग्राउंड म्यूजिक किस टाइप का चाहिए? आई मीन यू नीड क्लासिकल, जैज, वाइब क्या है? आई थिंक आप एक बार एवी देख लीजिए. Yeah, definitely. समझ में आ जाएगा. Hey, stop. Viaan? Viaan Raghuvanshi, right? Oh my God. Yep, he's the CEO of a company. CEO? My proper man! Keith! <Yeah. laughs> What is up, man? Yeah, good to see you, man. Just look at you. तूने बाल कटवा लिए? I feel you look fancy, but way too cooler. हाँ, bro. What is going on here, man? What a setup you've got. But यार, हम तो band members के band members रह गए. Hey. But you are a CEO. No. I mean, मेरा भाई CEO है for real. That's crazy. I'm no, really man. Happy. That's just in the office. Just your old friend, my buddy. By the way, my old friend, your employee is pretty cool. मुझे लगा अपने बॉस को कॉल करने से पहले थोड़ा हिचकिचाएगी, but she's a dude for real and amazing. Bro, पीना छोड़ दिया तूने? मतलब full साधु मोड हाँ? साधु तो तू बचपन से था, पता है, हमारी क्लास का टॉपर था. भाई साहब के पीछे एक नहीं, चार चार लड़कियां पागल थी. आपको 2005 की मुंबई फ्लड्स याद है? मैं वहां न्यूयॉर्क में था और डैड को हार्ट अटैक आया था. मैंने सबको कॉल किया और ये पता नहीं कहां से उड़ के तैर के, बट ही वॉज देयर. आई मीन डॉक्टर के साथ था ये, और डॉक्टर दोनों भीगे हुए थे और बाद में खुद बीमार हो गया. पता है, असली दोस्ती इसने निभाई है. मैंने इसे कॉल भी नहीं किया था, बट ही वॉज देयर. जब तक तू मुझे आई लव यू टू नहीं बोलेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. मैं आई लव यू सिंस स्कूल. प्लीज नो. लव यू ब्रो. अच्छा, अपने लव को वो गाना तो सुना दे, वो रोमांटिक गाना जो तूने स्कूल में लिखा था. कौन सा गाना? भूल गया. एक मिनट रुक. तूने इसे अब तक संभाल के रखा है? तो आपके ये जो सीईओ साहब है ना,
एक टाइम पे कमाल का लिखते थे और ये है उन कमाल के लिरिक्स का खजाना। गाना वाना नहीं। अरे अरे कम ऑन वियान, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक यार। और अभी तो तूने मुझे आई लव यू बोला। अरे अपनी जान के लिए, अपने लव के लिए, और फिर आज के दिन ये ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलना बंद कर दे। आई विल डू इट। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया तूने तो। अभी भी लगता है यार टू बिजी बीइंग अ सीईओ। सो तू ये बता, तू बस बिल्डिंगें बना रहा है या कुछ रोमांटिक सीन भी है तेरा यार? मतलब शट अप गाइस, मुझे निकलना होगा, मेरे घर पे फोन आया। अभी कहा? अभी तो महफिल शुरू हुई है। अभी? हाँ अभी तो वार्म अप हुआ है यार। एक और गाना। ब्रो प्लीज आज नहीं गाइस, आई प्रॉमिस अगली बार आऊंगा ना, जैम करने आऊंगा। आई रियली विश मैं रुक पाती, पर मेरा बेटा घर पे वेट कर रहा है। पर आप लोगों से मिलके सच में बहुत अच्छा लगा। सो आई विल सी यू इन द ऑफिस नाउ। श्योर। कथा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज, काफी देर हो गई है एंड there are no autos around as well. इतनी रात को अकेले बाहर? अब कहाँ गई इसकी ममता? बच्चे को अकेला छोड़ के किसी आदमी के साथ घूम रही है? वाह। नो नो थैंक यू, मैं चली जाऊँ। हे विडू लोग, है? आज वैलेंटाइन डे के दिन अपनी वैलेंटाइन देख कुदर चल के आ रही है रे। क्या बात कर रहा है वीडियो, दिखा 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 दिखा। बाहों में आ जा। रुको 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 मैडम। अरे मैडम, ऐसे रात में अकेले अकेले रोड में नहीं घूमते। मेरे पास भाई है, आप लोग प्लीज मेरे पीछे मत आइए। अपन को ना तेरे को बहन बनाने का नहीं है, अपन तेरे को बेबी बनाएगा डार्लिंग। चलना चलना डार्लिंग, चलती है क्या? ए, पुलिस वाला है क्या? अभी हो भी सकता है भाई। अच्छा, आज तो अपनी वैलेंटाइन कैंप से। थैंक यू। दीदी डरो मत ना, अपन बस आज सॉरी बोलने आए। दीदी वो कल रात के लिए आपसे सॉरी मांगने के लिए आए हैं अपन। ए बोलना। हाँ दीदी एकदम सही बोलता है, भाऊ को बोलो ना, उन लोग ना सब कुछ समझ गए, देखो ना बराबर समझा के गया, अपन को कोई अब लफड़ा नहीं मांगता है। प्लीज दीदी उनको सॉरी बोलने का। सॉरी सॉरी सॉरी। कौन भाऊ? आपको जो कल पिक करने के लिए आया था, देखो देखो क्या जबरदस्त समझा के गया कल जाने के बाद। ये देख फोन दे। तुम जैसों की वजह से लड़कियां रात को अकेले निकलने से डरती हैं। शर्म नहीं आती?
फैन थी क्या तेरी? मस्त नमकीन थी। अपन सब समझ गया। बोलने का ना, भाव को बोलने का, सॉरी बोलने का, अपनी तरफ सॉरी बोलने का। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। आपको ये चोट कैसे लगी? कौन सी चोट? आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? मुझे ड्रॉप करने के बाद कहाँ गए थे आप? कथा, मैं सिर्फ उनसे बात करने गया था। अच्छा, बस बात करने गए थे। मेरे लिए किसी से आपको बात करने की जरूरत है, ऐसा क्यों लगा आपको? मैंने आपको यह हक दिया। उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की थी, कल किसी और के साथ करते, उन्हें सबक सिखाना। मेरे या किसी भी लड़की की मदद करने से पहले ना, आप पहले अपनी सोच सुधारिए। आपको क्या लगता है मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? वो अच्छा अच्छा आपको लगा होगा कि इस बेचारी की जिंदगी में कोई आदमी नहीं है तो मैं ही इसे बचाऊंगा। तो सुन लीजिए मिस्टर व्यान रघुवंशी, आज के पहले मैंने ही अपना ख्याल रखा है और आज के बाद भी मैं ही खुद अपना ख्याल रखूंगी। We need to calm down. Just have some water, okay? नहीं, ये पानी आप ही पीजिए। तो हम अपने ओरिजिनल प्लान पे ही रहते हैं। ऑडिटोरियम में एक्स्ट्रा सीटिंग स्पेस नहीं बढ़ पाएगी, नहीं तो लोगों को वहां पे घुटन होगी। आई एम ग्लैड कि आप स्पेस की वैल्यू समझ गए और आपको मेरे काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। गाइस, शांति की पुकार है, तुम लोग एक दूसरे के दूरी रहा करो। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब क्लियर हो गई। रुको कथा, क्या बात है? अभी आई हो और अभी जा रही हो? ओ, बहुत बिजी रहती हो ना? ऑफिस काम से जा रही हो या फिर किसी को मिलने जा रही हो? कल रात मैंने तुम्हें काटर रोड में किसी के साथ देखा था, सब ठीक है ना? ओ, वो मेरे ना सुके सफाई देने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, आदित्य भैया के जाने के बाद तुम बहुत ही अकेला महसूस करती होगी ना? ऐसी कोई बात नहीं है रीत, तुम्हें गलत लग रहा है। इसमें गलत की क्या बात है, हम मॉडर्न लोग हैं, सब समझते हैं। इसमें कोई समझने जैसी बात ही नहीं है और मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मुझे मूव ऑन भी नहीं करना और मैं बहुत खुश हूँ अपने आदि की यादों और आरव के साथ। हाँ, तुम क्यों करोगी मूव ऑन? फाइनली इतने सालों के बाद इस घर में एंट्री मिल गई तुम्हें। फैमिली होना, घर होना, अरे कौन करेगा इतनी मेहनत? मुफ्त में घर बैठे बैठे इतना आलीशान घर मिल गया है ना? रीत, पहली बात कि आरव ही मेरा घर है और दूसरी बात कि मेरे पास अपनी एक छत है और मैं इतनी काबिल हूं कि मुझे कभी किसी और के घर में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आरव के लिए यहाँ पर आती हूँ क्योंकि उसका और उसके दादा दादी का एक दूसरे पे हक है। कथा, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही पर मुझे तुम्हारा सच साफ साफ दिखता है। अब तुमसे घर मैनेज नहीं होता, बच्चे का खर्चा मैनेज नहीं होता तो यहाँ पे आ जाती हो, मदद चाहिए ना तुम्हें? अनबिलीवेबल रीत, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि असल में मदद ना तुम्हें चाहिए। घर संभाल के रखने की जरूरत तुम्हें, मेरा तो संभला हुआ है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा फला फूला परिवार है, दो बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं, माँ बाप जैसे सास ससुर हैं और पति है जो मुझ पे जान निछावर करता है, और ये सब मेरा है। आयो, हेलो कथा, सॉरी आफ्टर वर्क कॉल कर रहा हूँ।
लेकिन अब्दाली का कॉल आया था और वो टाउन में 4 घंटों के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है विद जस्ट यू एंड मी। मैंने उसे बोल दिया कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो अगर उसकी टीम से किसी का कॉल आएगा प्लीज मना कर देना। पर हम इससे अब्दाली से मिल क्यों नहीं लेते? आई मीन अगर आपके लिए इस टाइम जाना पॉसिबल है तो। अगर ऑडिटोरियम के कंसर्न आमने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन रात के 9 बज रहे हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वी कैन। नो इट्स ओके, अभी ये इशू एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पिक करने आ रहा हूं। नो आई और प्लीज इसके लिए मना मत करना। Even if we do that, how? एक औरत का दर्द जहां से दिखता है आप वहां से बहुत नीचे गिर चुके हैं। इन्हीं पैसों से खरीदने गए थे ना आप उसे? का पास्ता बहुत पेनफुल है। 12 साल का था जब उसने किसी औरत को पैसों के लिए अपने डैड को खुद से छीनते हुए देखा। व्यान के फादर एक खूबसूरत औरत के लिए तेजी आंटी और व्यान को छोड़ के चले गए थे। आई थिंक हमें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। उसकी शक्ल नहीं देखना मुझे। Goodness. Look, Salim. I'm looking so good. ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देखेगी ना तो डबल मजा आ जाएगा। Really? हमारी सारी पुरानी यादें ताजी हो जाएंगी। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैंने पहले से ही देख लिया है यहाँ आके। बदमाश, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। Same thing. I'll see you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.